बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं सिलेक्ट के ऊपर। हम सिलेक्ट की क्यूरी को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मैं बैच से करके न्यू क्यूरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है? और कि हम अपना प्रोजेक्ट खोल लेते हैं जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, ठीक है? ओके, हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिस प्रोजेक्ट पे हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, ठीक है? तो यहीं पे मैं न्यू क्यूरी क्रिएट करता हूँ, उसका नेम दे देते हैं सेलेक्ट, ठीक है? सेव कर लिया इसको। हम यहाँ पे कह देते हैं यूज बैच 6 जो हमारी डेटाबेस है, गो। ओके, हमारे पास एक टेबल है सप्लायर का, हम पहले उसको स्टडी करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे डिफाइन करता चलूँ सेलेक्ट के हवाले से। सेलेक्ट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सेलेक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड वेयर फॉर ग्रुप बाय फिफ्थ हैविंग एंड सिक्स ऑर्डर बाय। अच्छा, हमारे पास जब हम क्यूरी लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो इस ऑर्डर में हम लिखते हैं। सिलेक्ट होगा, अकेला सिलेक्ट भी हो सकता है विद सम ऑफ कॉलम, कोई भी आप कॉलम दे दें। लाजमी नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें हों, कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर हम ये सारी की सारी चीज़ें अपनी सिलेक्ट की क्यूरी में लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 6 चीज़ें होंगी। सिलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट के बाद हमारे कॉलम नेम्स आएंगे, फ्रॉम के बाद हमारे टेबल नेम्स आएंगे, वेयर के बाद हमारा एक्सप्रेशन आएगा, ग्रुप बाय के बाद हमारा जो है कॉलम नेम आएंगे जिनके ऊपर हम ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं, उन्हीं ग्रुपिंग के ऊपर हम कंडीशन लगाना चाहें तो हैविंग के थ्रू लगेगी, और ऑर्डर बाय उनको ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। जब हम इनको किसी भी टेबल के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, हम टेबल से कुछ चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं, तो हमारा टाइपिंग सीक्वेंस ये होगा, ठीक है? लेकिन ये तो हमारा इनका हो गया जी टाइपिंग सीक्वेंस, ठीक। अगर मैं ये कहूँ कि इनका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होगा, उसके ऊपर स्टडी करने की जरूरत है। पहला जो होगा हमारा वो एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम, हम कहाँ से चीज़ें लेके आ रहे हैं। दूसरा हमारा एग्जीक्यूट होगा वेयर, जो उसके ऊपर कंडीशन है। थर्ड ग्रुप बाय, फोर्थ हैविंग एंड देन फिफ्थ में सेलेक्ट, ठीक है? एंड सिक्स जो होगा हमारा वो होगा ऑर्डर बाय। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर किसी कॉलम का एलियस यूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ कॉलम ए एज ए बी सी, तो मैं यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने उस कॉलम को कहीं यूज़ करना है तो मैं उसका एलियस यूज़ नहीं कर सकता, मैं कॉलम नेम ही यूज़ करूँगा, ठीक है? क्योंकि सिलेक्ट जो है वो कॉलम के बारे में बताता है, तो यहाँ तक अभी सिलेक्ट आया ही नहीं, ठीक है? समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट कॉलम वन एज ए बी सी फ्रॉम टी बी एल वन, ठीक है? वेयर कॉलम थ्री इक्वल टू जो भी एक्सप्रेशन हम दें, ठीक है, ग्रुप बाय कॉलम वन हैविंग कॉलम वन अगेन कंडीशन, ठीक है? कॉलम वन जो भी हम उसकी कंडीशन देते हैं दिस दिस दिस, ठीक है? उसके बाद मैं इसको देता हूँ ऑर्डर बाय कॉलम टू असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये हमारे पास एक क्यूरी बनेगी। ये हमारा सेलेक्ट का पोर्शन आ गया, उसके बाद हमारा फ्रॉम का पोर्शन आ गया, फ्रॉम के बाद वेयर, वेयर के बाद ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के बाद हैविंग, हैविंग के बाद ऑर्डर बाय।
अगर मैं यहाँ पे से ये कहूँ ग्रुप बाय कॉलम वन की जगह मैं ए बी सी यूज़ करूँ तो इट विल थ्रो एरर, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी जो हमारा है वो हैविंग के बाद जाके पता चलेगा कि कॉलम वन जो है वो ए बी सी भी है। ठीक है, हैविंग के यहाँ तक एग्जीक्यूट होने के बाद हमें पता चलेगा कि सिलेक्ट हमें बता रहा है कि कॉलम वन जो है वो ए बी सी भी है। ठीक है, लिहाजा ऑर्डर बाय में हम ए बी सी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक हो गया, वेयर में नहीं यूज़ कर सकते। क्लियर होगी कहानी कि जो हमारा एलियस है उसको हम ऑर्डर बाय में यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी जगह यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है कहानी? ओके, अब हम आते हैं रियल एग्जांपल्स के ऊपर। मैं इसको सेव करता हूँ। मैं से कहता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक, स्टैरिक मीन्स ऑल कॉलम्स, तमाम के तमाम कॉलम्स फ्रॉम सप्लायर, जो हमारा टेबल है। ठीक है, सिंपल। पहले मैं बाकी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा, मैंने दो चीज़ें यूज़ की, सिलेक्ट एंड फ्रॉम। तो फ्रॉम पहले एग्जीक्यूट होगा, सिलेक्ट बाद में एग्जीक्यूट होगा ड्यू टू दिस ऑर्डर। ठीक है, तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास तमाम की तमाम लिस्ट लेके आ जाएगा, तमाम की तमाम लिस्ट लेके आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास कोड है, नेम है, ठीक है, एड्रेस, एड्रेस टू, सिटी, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, मैं एक और टेबल है जिसमें मल्टीपल सप्लायर्स होंगे, ठीक है, या मल्टीपल कस्टमर्स होंगे, लाइक हमारे पास टेबल है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट के अंदर सप्लायर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, कहाँ से, प्रोडक्ट्स, तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो लिया। अब यहाँ पे मेरे पास सप्लायर कोड्स आ रहे हैं, ठीक है, सप्लायर कोड, यहाँ तक एक सप्लायर कोड है, उसके बाद सेकंड सप्लायर कोड है, तो मीन्स ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कि क्या करो, काउंट करो किस चीज़ को, कोड के कॉलम को, इसको मैं कमिट करता हूँ फर्स्ट वन को, कंट्रोल आर, थोड़ा सा रूम लेने के लिए जगह का। अब मैं इस सीक्वेंस के ऊपर आता हूँ, मैंने से कहा सिलेक्ट काउंट करो, गिनती करो किसकी, कोड के कॉलम की, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये मुझे टोटल इस वक्त कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 598, तो इसने ये बता दिया। अब मैं इसकी ग्रुपिंग करूँ कि मुझे सप्लायर वाइज बताओ कि किस सप्लायर की कितनी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ग्रुप आपका तब इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जब आप कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं किसी एक कॉलम के ऊपर, ठीक है, सम का, कि उनकी टोटल परचेज प्राइस बताओ, उन आइटम्स की कितनी है, टोटल मिनिमम सेल बताओ, उन आइटम्स की टोटल कितनी बनती है, तो उस पर फिर हम ग्रुपिंग करते हैं। एक तो यह है कि मैं ग्रुपिंग नहीं करता तो मुझे वो तमाम के तमाम उसका बता देंगे, अगर मैं ग्रुपिंग करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा किसके अगेंस्ट। मैं ऐसे कहता हूँ सप्लायर कोड, ठीक है, हाँ सप्लायर कोड। अब मैंने ऐसे कहा सिलेक्ट सप्लायर कोड काउंट कोड, ठीक है, या काउंट स्टैरिक, ठीक है, काउंट करो स्टैरिक और सप्लायर कोड इज द सेम थिंग। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ रोज बता रहा, ठीक है, चाहे वो आप एक कॉलम के थ्रू लें या स्टैटिक के थ्रू लें, बात एक ही है, स्टैटिक ऑल कॉलम्स ही होता है। ऑल कॉलम्स होता है। काउंट जो है वो आपकी रो को काउंट करता है, नंबर ऑफ रैकेट्स। मैंने उसे कहा एक कॉलम के नंबर ऑफ रैकेट लेके हो, उसके भी तो नहीं होंगे, तमाम कॉलम्स के भी तो नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसे कहा सिलेक्ट सप्लायर कोड, काउंट करो प्रोडक्ट में से,
ठीक है, इनको मैं सेपरेट कर लेता हूँ लाइन वाइज। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ ग्रुप बाय सप्लायर कोड, कि सप्लायर कोड के हिसाब से ग्रुप बना। ठीक है, मैंने एक कॉलम और ऐड किया, एक सॉरी क्लास और ऐड कर ली। पहले हमने क्या किया था, सिलेक्ट एंड फ्रॉम। अब मैं हमारे पास तीन चीज़ें आएंगी, सिलेक्ट फ्रॉम एंड ग्रुप बाय। ठीक है, तो मैंने इसे कहा सप्लायर कोड के ऊपर, मैं इसे कहता हूँ यहाँ पे एज सप्लायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सप्लायर यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कोट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एज टोटल प्रोडक्ट्स। मैंने इसे कहा सिलेक्ट सप्लायर कोड, सप्लायर कोड को सिलेक्ट करो, काउंट करो टोटल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के टेबल में से ग्रुप बाय सप्लायर कोड, कि हर सप्लायर के, अब ये काउंट करेगा इसके हिसाब से, क्योंकि मैं ग्रुप में बता रहा हूँ कि इसके हिसाब से काउंट करना। पहले उसने काउंट किया तो उसने सारे के सारे बता दिए 598। अब मैंने इसे कहा कि आप इस ग्रुप के हिसाब से काउंट करो, तो जहाँ पे सप्लायर चेंज होगा वहाँ पे उसका काउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। सप्लायर 1000, इसकी 41 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सप्लायर 2000, इसकी इतनी प्रोडक्ट्स हैं। अब हमारे पास टोटल 32 रोज आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो सप्लायर्स हैं वो 32, ठीक है, या 32 सप्लायर्स की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसमें से कहता हूँ हैविंग काउंट ऑफ स्टैरिक। अब हैविंग के साथ भी मैं एज का ये वाला यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हैविंग जो है वो कहाँ आता है, सिलेक्ट से पहले आता है। तो मैं इसे कहता हूँ काउंट ग्रेटर देन 10। वो सप्लायर बताओ और उनकी टोटल प्रोडक्ट्स बताओ जिनकी टोटल प्रोडक्ट्स 10 से ज़्यादा हैं, जिनकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 10 से ज़्यादा हैं। तो ये जो हमारा हैविंग है ये ग्रुप के साथ ही आता है, ग्रुप के बगैर नहीं आता। अगर मैं ग्रुप को ख़त्म कर दूंगा तो हैविंग को आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हैविंग आपका एरर जनरेट करेगा, हैविंग आपका कॉल नहीं होगा, क्योंकि हैविंग जो है वो ग्रुप के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास कितनी है, 598। अगर इसको हम ओपनली यूज़ करें और ग्रुप के साथ ना यूज़ होता फिर तो हर कंडीशन ट्रू थी। ठीक है, अभी हमने इसमें वेयर का क्लाज नहीं लगाया, हम साथ वो भी ऐड करेंगे। अब मैं इसे कहता हूँ कि वो प्रोडक्ट लेके आओ, उन सप्लायर की मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ जिनकी 10 से ज़्यादा है। एग्जीक्यूट किया, तो अब हमारे पास 16 रोज हैं। उसने क्या किया, ग्रुप बनाया, ग्रुप को शॉर्टलिस्ट किया, शॉर्टलिस्ट करके हमें वो बता दिए जिनकी प्रोडक्ट्स 10 से ज़्यादा हैं। देखें 11 आ रही है, 10 नहीं आ रहा, ग्रेटर देन 10 सेलेक्ट करो, कॉलम जिस कॉलम के ऊपर आपने ग्रुपिंग करनी है वो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और, मैं यहाँ पे वेयर ऐड करता हूँ, वेयर जो हमारी परचेज प्राइस है, इसमें प्रोडक्ट के ऊपर हम देख लेते हैं सेल कॉस्ट। ठीक है, तो मैं इसे कहता हूँ वो लेके आओ जिसकी सेल कॉस्ट क्या हो जी, ग्रेटर देन 100 हो। अब पहले वो शॉर्टलिस्ट करेगा जिनकी सेल कॉस्ट 100 हो, क्योंकि वेयर जो है वो ग्रुप बाय और हैविंग से पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पहले उस टेबल पे ये एग्जीक्यूट होगा और पहले ही शॉर्टलिस्ट कर देगा, उसके बाद ग्रुप बनेगा, फिर ग्रुप शॉर्टलिस्ट होगा। नहीं समझ आए? ओके, मैं इन दो चीज़ों को निकालता हूँ, ग्रुप बाय उसको, ठीक है, और इस काउंट की समझ नहीं आ रही है, काउंट क्या होगा? मैं बताता हूँ, तो ओके मैं बताता हूँ, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, उठा के यहाँ पे ले आते हैं कमेंट एरिया में। ठीक है, मैंने इसे कहा कि मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ
मैंने से कहा मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, वो प्रोडक्ट जिनकी सेल कास्ट 100 से ज़्यादा है, ठीक है, मैं इस पोर्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, हमारे पास एक एरर जनरेट हुआ कि हमारा नेटवर्क से जो है कनेक्शन हमारा लॉस्ट हो गया सीक्वल से, ठीक है। दोबारा आप एग्जीक्यूट कर लें, नहीं तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट करके फिर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्यूरी को हमने थोड़ा सा और सिंपल कर लिया। मैंने इसे कहा काउंट करके लाओ, जो एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका काम है रो को काउंट करना, ठीक है, रोज काउंट करना। काउंट करो तमाम के तमाम कॉलम की रोज को, या आप स्पेसिफिक कॉलम दे दें, कोई भी एक कॉलम दे दें, रोज इक्वल होंगे, ठीक है। काउंट कर लें एज अ टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, और वो काउंट करनी है जिनकी सेल प्राइस जो है वो ग्रेटर देन 100 है, सेल कॉस्ट जो है, ठीक है। पहले हम अपने डेटाबेस को ले लेते हैं, ठीक है, या आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें या क्यूरी एग्जीक्यूट कर लें। तो इसने मुझे कहा 236 प्रोडक्ट्स हैं जो जिनकी जो सेल कॉस्ट जो है वो 100 से ऊपर है, ठीक है। अगर मैं तमाम की तमाम करूं तो 598, नियर अबाउट 600। तो यहाँ पे मैंने उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, मैंने वेयर में कंडीशन दे दी। अब अगर इसको मैं साथ में ग्रुप बाय ऐड करूँ कि अब मुझे सप्लायर वाइज कि किस सप्लायर की कितनी प्रोडक्ट्स हैं और उनमें से जो 100 से ऊपर है जिसकी सेल प्राइस, वो काउंट करके लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लायर कोड को मैं ऐड कर लूँगा और ग्रुप बाय में जिस तरह हमने पहले काम किया था। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं शॉर्ट लिस्टिंग की, एक वेयर जो है ये भी शॉर्ट लिस्ट करती है और हैविंग जो है ये भी शॉर्ट लिस्ट करती है। वेयर वेयर जो है वो फ्रॉम के ऊपर शॉर्ट लिस्ट करेगी, मतलब इनसे पहले एग्जीक्यूट होगी, पहले यहाँ से ही शॉर्ट लिस्ट होकर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगी 236 जो अभी हमने ली, ठीक है। फिर उसके बाद ये उसकी ग्रुपिंग करेगा, 236 में से 236 में से फर्दर ग्रुपिंग करेगा, ग्रुप करके काउंट बनाएगा, अलग अलग काउंट करेगा ग्रुप के हिसाब से, और फिर उनमें से दोबारा काउंट करेगा कि जो ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। अब हमारे पास 7 रोज आई हैं, पहले कितनी आई थी, 16 आई थी। अगर मैं इस वेयर को बीच में से निकाल दूं, ठीक है, तो हमारे पास कितनी रोज आ रही थी, नंबर ऑफ 16 रोज आ रही थी, ठीक है, नंबर ऑफ 16 विदाउट एनी। तो इन नंबर ऑफ 16 को जब हम टोटल को काउंट करेंगे, इनको सम लेंगे, तो ये हमारी 598 बनेंगी, सॉरी 598 से कम बनेंगी, क्योंकि वो नहीं आ रहे जो 10 से नीचे हैं। अब मैं कहता हूँ कि वो आए जिनकी प्राइस 100 से ज़्यादा हो, तो पहले यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद ग्रुपिंग होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो अब हमारे पास 7 रोज रह गई। सप्लायर वन जो है उसकी 14 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस सेल प्राइस 100 से ज़्यादा है। सप्लायर कोड जो है वो 8000 है जिसकी सेल कॉस्ट जो है वो 100 से ज़्यादा है और इतनी उसकी प्रोडक्ट है, इसी तरह अकॉर्डिंग टू सब, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, और इनका असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, इस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर हुआ हुआ है क्योंकि ये फॉरेन कीज़ के साथ लगे हुए हैं और ये प्राइमरी की जो हमारा कंस्ट्रेंट होता है उसके हिसाब से उसकी असेंडिंग ऑर्डरिंग कर रहा। सेलेक्ट कर हम सप्लायर एड्रेस कर लें, हाँ एक और भी हमें डाल लें, तो फिर क्या ठीक, दृश्य होगा? ओके, रिजल्ट सेम रहेगा क्योंकि जो सप्लायर का कोड है उसका एड्रेस भी सेम होगा, लेकिन अब सप्लायर का एड्रेस हमारे पास प्रोडक्ट के टेबल में तो नहीं है, वो तो सप्लायर के टेबल में है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को सप्लायर के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा और सप्लायर का एड्रेस हम सप्लायर के टेबल से उठा के लाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में से कोई ऐसा अटरीब्यूट हम उठा रहे हैं जिस पर कोई नहीं लिया मेरा नॉन टू, कोई उठा दे से प्रोडक्ट नेम उठा लेते हैं यार, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम, प्रोडक्ट नेम। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे नेम देता हूँ तो मुझे ये ग्रुप में भी ऐड करना है, ठीक है,
एग्रीगेट फंक्शन के अलावा आप जितने कॉलम यूज़ करेंगे वो आप ग्रुप में देंगे। अगर मैं नहीं देता, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मुझे कहेगा कि प्रोडक्ट डॉट नेम इज़ एन इनवैलिड सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इज़ नॉट कंटेन आइदर एन एग्रीगेट फंक्शन, ना तो ये एग्रीगेट फंक्शन में है, और द ग्रुप बाय क्लास, और ना ये ग्रुप बाय क्लास में। ठीक है, जब ग्रुप बाय हमारा यूज होगा तो उसमें उसमें जितने भी कॉलम जो एग्रीगेट फंक्शन के अलावा होंगे वो आप ग्रुप बाय में मस्ट यूज करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नहीं ठीक है, अब हम करेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा, ग्रुप बाय नेम, नेम को एग्जीक्यूट बाय सिक्स। ओके, लेट मी चेक इट फर्स्ट, सिलेक्ट सप्लायर कोड नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास आगे नेम सप्लायर कोड के साथ ये हमारे नेम्स हो गए। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं वेयर सेल कॉस्ट ग्रेटर देन दिस, तो हमारे मजीद शॉर्ट लिस्ट हो गए 236 हो गए। ओके, अब यहां पे जब हमने नेम ऐड किया तो हर नेम की तो प्रोडक्ट एक ही होगी, क्योंकि अब हमारा ग्रुप है सप्लायर कोड प्लस नेम। सप्लायर कोड फॉर एग्जांपल ये है, तो इसमें टैबलेट का नेम है ये, ठीक है, तो उसमें हमारे पास टोटल प्रोडक्ट एक ही होगी। इसी तरह हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट है, क्योंकि एक प्रोडक्ट का नेम मल्टीपल टाइम तो नहीं होगा ना, यहाँ पे देख लें, ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम जो है वो चेंज है, तो जैसे ही ग्रुप चेंज होगा तो इसमें से जब हम हैविंग का क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो अब जो हमारी ग्रुपिंग बनेगी वो बनेगी सप्लायर कोड और नेम। अगर डुप्लीकेट नेम होंगे तो हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट एज अ टू आ रही होगी, डेट्स ये हम डुप्लीकेट फाइंडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को हम यहाँ से लेते हैं, मैं आता हूँ सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम सप्लायर, ठीक है, और इसको मैं ऑर्डर बाय कर लेता हूँ, ऑर्डर बाय नेम, सप्लायर नेम के हिसाब से ऑर्डर बाय कर लेते हैं। मे बी पॉसिबल है कि हमारे पास कोई एक ऐसा सप्लायर हो जिसके दो नेम हो, ठीक है, आई थिंक ऐसा कोई नहीं है, तो हम कस्टमर में उठाते हैं। क्वाइट पॉसिबल है कि हमें कस्टमर में से ऐसा कुछ मिल जाए कि जिसके नेम मिलते जुलते हों, लाइक अगर मेडिकल डिफरेंट है, डिफरेंट है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल दिस वन, ठीक है, सेम नेम है, वही कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ नेम, ठीक है, काउंट स्टेरिक एज अ टोटल। अब हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है, तो वी हैव टू यूज़ ग्रुप बाय ऑन नेम, ठीक है, और मैं ऐसे कहता हूँ हैविंग काउंट ग्रेटर देन वन। अब इससे क्या होगा कि ये वो वाले नेम उठा के लाएगा जो डुप्लीकेट होंगे ग्रेटर देन वन, ठीक है, नेम की बेस के ऊपर। तो ये बता रहा है कि अदनान एम डॉट स्कोर दो दफ़ा है, ये चार दफ़ा है, ये नेम हमारा तीन दफ़ा है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो लेके आ रहा, ठीक है। अब इनका
कोड जो है, मैं इसे कहता हूँ, अगर मैं कोड लेके आता हूँ बीच में, अब उस कोड का और उस नेम का तो कोई भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नेम सेम होगा कोड डिफरेंट होगा, कोड जो है कॉम्बिनेशन वो प्राइमरी डिफरेंट आ की है, रहा है, नेम डिफरेंट कम्बिनेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो इस केस में अब हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड पॉसिबल नहीं है कि कोई रिकॉर्ड हो, ठीक है, इस वजह से वो मिला है। अगर मैं हैविंग की कंडीशन हटा दूं तो हर एक के साथ वन वन आ रहा होगा, क्योंकि अगर नेम सेम होगा तो कोड डिफरेंट होगा, तो इस वजह से ग्रुप जो है वो ग्रुप बनेगा इन दोनों की बेस पे, कि जहाँ पे ये भी सेम हो और ये भी सेम हो, फिर वो उस हिसाब से काउंट करेगा, ठीक है, उस हिसाब से काउंटिंग जितनी करेगा, रोज अपने ग्रुप्स हैं वो। उतने ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे, जब हमने नेम ऐड किया तो हैविंग हम उसमें अगर लगाएंगे तो, क्योंकि हमारा कोड और नेम डिफरेंट है, ठीक है, तो इस वजह से वो काउंट वन के साथ देगा, ठीक है। इस एग्जांपल को मैं एज इट इज रखता हूँ, कॉपी करके हम नीचे आते हैं अपने प्रीवियस एग्जांपल पे, जो हमने इसको हम कमिट कर देते हैं, ठीक है, और इसको मैं मॉडिफाई करके प्रीवियस एग्जांपल पे आता हूँ, ठीक हो गया। हैविंग हमने हैविंग तक इसको कर लिया। अब इसके अंदर मैं मज़ीद एक चीज़ ऐड करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ ऑर्डर बाय सप्लायर। अब ये जो है ये टेबल है, और ये मेरे पास, सॉरी, ये कॉलम है, और ये जो सप्लायर है ये टेबल है, ठीक है, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंट है, ये खुद समझ लेगा। अब यहाँ पे अगर मैं सप्लायर देता हूँ ग्रुप बाय में तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है एलिस को, जबकि ऑर्डर बाय में देता हूँ तो एक्सेप्ट कर लेता है। उसकी वजह ये है कि ये क्लॉज पहले एग्जीक्यूट होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कॉलम क्रिएट्स होते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर बाय को पता होता है कि कौन सा कॉलम क्रिएट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ये जो एलियस के कॉलम है ये हमारे ऑर्डर बाय के लिए विजिबल होते हैं, बाकियों के लिए विजिबल नहीं होते। उसकी वजह यह है कि बाकियों के लिए वो अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। वेयर में आप ऐसा कोई भी कॉलम यूज़ कर सकते हैं उस टेबल का जो सिलेक्ट में ना यूज़ हो रहा हो, ठीक है, सेम इसी तरह से बाकियों में भी, लेकिन ग्रुप बाय में आपको उसको सिलेक्ट में देना ज़रूरी है, ठीक है। हैविंग और ग्रुप बाय दोनों साथ होंगे, अगर ये दोनों आप नहीं देते तो ये इस तरह भी हो सकता है, सेलेक्ट फ्रॉम एंड ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय को मैं ख़त्म कर दूं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर मैं सिर्फ ग्रुप बाय यूज़ करता हूँ तो लाजमी नहीं है कि आप हैविंग भी यूज़ करें, लेकिन अगर हैविंग यूज़ करेंगे तो मस्ट है कि ग्रुप बाय यूज़ करें, ठीक है। अगर हैविंग यूज़ करेंगे तो हैविंग के साथ आपको ग्रुप बाय का यूज़ होना मस्ट है। आप ग्रुप बाय यूज़ करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हैविंग भी यूज़ करें, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ सेलेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, मैं इसे कहता हूँ सेलेक्ट, एक सिस्टम का फंक्शन है गेट डेट, कि डेट लेके आओ। अब डेट किसी टेबल से तो नहीं लाना, सिस्टम से लाना है, तो मैंने इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं की। सेलेक्ट के साथ आप मिनिमम एक कॉलम यूज़ करेंगे, सेलेक्ट के साथ मिनिमम एक कॉलम यूज़ करेंगे। अब बाकी जो हमारे क्लॉज थे वो सारे मैंने मिस कर दिए, मैंने जस्ट सेलेक्ट को यूज़ किया, ठीक है। तो मैंने इसे कहा गेट डेट, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरे सिस्टम की जो डेट होगी ये मुझे देगा, दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, 41 सेकेंड होगी, फिर एग्जीक्यूट करूँगा तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमारे पास सिंगल कॉलम है। अब इसके साथ मैं एज टुडे डेट एंटर जो आप देना चाहें, अगर मैं इसमें स्पेस का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा, लाइक दिस, ठीक है, टुडे डेट टाइम, ठीक है। स्पेस के लिए आप इसको एक ग्रुप बनाएंगे कि यहां से ये स्टार्ट हो रहा है नेम और यहां पे एंड हो रहा है, जैसे स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट से कॉल करते हैं, जी ये हो सकता है गेट डेट, गेट डेट को आप स्टोर प्रोसीजर में ले जाएं और उसको आप कॉल करें। इसलिए मैं ये कहना चाहता था कि जैसे यूजर डिफाइंड उनके लिए हम एग्जीक्यूट का कीवर्ड लिखते एग्जीक्यूट हैं, करते हैं। तो जो इसी तरह गेट डेट हैं ये सिस्टम फंक्शंस हैं, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर्स के लिए आप एग्जीक्यूट लिखते हो, फंक्शंस के लिए नहीं लिखते। फंक्शन सेम उसी तरह से कॉल होते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक जो भी आप फंक्शन के कॉल करना चाहें वो फंक्शंस अलग होते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस जो हैं वो सिलेक्ट के साथ यूज़ होंगे, एग्जीक्यूट के साथ यूज़ नहीं होंगे। जो आपके स्टोर प्रोसीजर्स हैं उनको आप एग्जीक्यूट के साथ इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उनको कॉल करने के लिए आप एग्जिक या एग्जीक्यूट का कीवर्ड यूज़ करते हो। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पे अपने फंक्शंस डिफाइन करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है, तो उसमें हम जो भी फंक्शंस क्रिएट करेंगे तो फंक्शंस आपके उसी तरह कॉल होंगे जिस तरह आपके टेबल्स कॉल होंगे, ठीक है।
जब स्टोर प्रोसीजर्स को हम कॉल करते हैं तो उसके लिए आपको एग्जीक्यूट का कीवर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है, या एग्जिक का कीवर्ड लगाना पड़ता है, ठीक हो गया। ओके दोबारा आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब मैंने क्या किया कि सिर्फ सिलेक्ट लिखा और आगे कॉलम का नेम और एज उसके एलियस मैंने बना लिया, दैट्स इट। अब मैंने ना इसमें फ्रॉम दिया, ना वेयर दिया, ना ग्रुप बाय, ना हैविंग, ना ऑर्डर बाय, कुछ भी नहीं। इसी तरह आप सिलेक्ट के बाद फ्रॉम यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट और फ्रॉम को यूज़ करें, बाकी ना भी यूज़ करें तब भी चलेगा। सिलेक्ट फ्रॉम और ऑर्डर बाय यूज़ कर लें तब भी चलेगा। सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर यूज़ कर लें तब भी चलेगा। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर एंड देन ऑर्डर बाय यूज़ करें तब भी चलेगा, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम एंड ग्रुप बाय यूज़ कर लें तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो आप टाइपिंग सीक्वेंस है वो यही रखेंगे, ठीक है। अगर मैं पहले सिलेक्ट लिख लूँ, बाद में वेयर लिखूँ, फिर फ्रॉम लिखूँ तो नहीं। एग्जीक्यूशन प्लान डिफरेंट होगा लेकिन आपका जो टाइपिंग प्लान है वो यही होना चाहिए, आपने इसी तरह से इसको लिखना है, ठीक है। राइटिंग प्लान और एग्जीक्यूशन प्लान दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लिया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई आपको, कोई इशू यहाँ तक? थोड़ा सा आगे चलें या इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ? इसको स्टॉप, इसको सेव, यहाँ तक सेव कर दूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा पढ़ लूँ या कल के ऊपर रख लूँ? ज्वाइन का थोड़ा सा कर लें। ओके।